देखिए यूसी नेट ने जो कई बार पैटर्न एंड सिलेबस जो है चेंज किया है जैसे कि रिसेंटली 2019 में चेंज हुआ था उससे पहले 2017 में चेंज हुआ था उससे पहले 2018 में चेंज हुआ था ट्वेंटी तो 2018 जुलाई का एग्जाम पेपर जो आया था वो डिफरेंट था बिकॉज जो पेपर टू था उसमें हंड्रेड क्वेश्चन कर दिए गए थे उससे पहले क्या होता था कि लॉ के ही दो एग्जाम होते थे एंड पेपर वन इज ऑलवेज दैट टीचिंग एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड तो 2018 से पहले जो भी एग्जाम है उसमें लॉ पेपर टू जिसमें कि 50 क्वेश्चन एंड लॉ पेपर थ्री भी होता है इसमें 75 फाइव क्वेश्चन आते थे तो आज हम डिसंबर ट्वेंटी सेवनटीन के लॉ पेपर टू को डिस्कस करेंगे सो फ्रेंड्स इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल आई वुड लाइक टू रिकमेंड की आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इट विल भी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू न्यू प्रिपरेशन फॉर जुडिशिरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स एंड अगर आप यू जिसे नेट दे रहे हैं या देने वाले हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज यहाँ पर हम जो है लॉ एग्जाम पेपर सारे डिस्कस कर रहे हैं एंड इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि देखिए पैटर्न अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हर पेपर जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थे रिपीट क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन आते हैं और मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ कि ये रिपीट क्वेश्चन आ चुका है ये इस ईयर में आया ये इस ईयर में आया है तो देर आर ऑलवेज चांसेज की क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाए तो हो सकता है कि इस बार जो आने वाले एग्जाम या फिर जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें जमें उसमे रिपीट क्वेश्चन आ जाएँ सो फ्रेंड्स डोट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वाई सब्सक्राइबिंग डोट फॉरगेट टू प्रस दी बेल आइकन सो दट यू कैन गट द नोफिकेशन ऑफ आर अपमिंग वीडियोज चलिए बढ़ते हैं एग्जाम पेपर की ओर देखिए पहले एग्जाम पेपर फिजिकल फॉर्म में होते थे ऑनलाइन एग्जाम नहीं था तो उस टाइम देखिए कुछ इस तरीके से एग्जाम पेपर आता था देखिए लिखा उन्होंने यहाँ पर फिफ्टी मल्टीप्लेस टाइप क्वेश्चन ओ एम आर शीट मिलती थी और इसमें क्या था ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करते थे एंड उस टाइम पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी देखिए लो पेपर टू है ये ओवर फिफ्टी क्वेश्चन हैं और टू मार्क्स ईच हैं इसका मतलब क्या है कि सौ नंबर का एग्जाम पेपर होता था पहले ये तो क्वेश्चन नंबर वन क्या देखिए अदर्शन है द द ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली इंडिकेट्स द आइडियल सेट बिफोर द नेशन ये दिस इज करेक्ट ये करेक्ट है तो इसका रीजन देखिए द आइडियल सेट बिफोर द नेशन आर जस्टिस इक्विटी इट इक्विटी नहीं है ये क्या है इक्वालिटी फिर क्या है लिबर्टी तो ये दोनों ही मिसिंग हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो गई इस कांसे क्या रहेगा ए is टू आर is फोर्स थ्री इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू अरेंज द फॉलोइंग लीडिंग केसेस इन ऑर्डर प्रोनाउंस बाय सुप्रीम कोर्ट अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है देखिए देखिए हर पेपर में मैं डिस्कस करता हूँ इस चीज़ को और अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो ये सारे जो केसेस हैं मैं डिस्कस कर चुका हूँ वहाँ पर और इनके मैंने ईयर्स भी बताए थे किस ईयर में आए हैं ये मैंने वहाँ पर भी कहा था कि जो केसेस पूछते हैं जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनका जो है अपने ये ज़रूर याद रखना बिकॉज ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम पेपर में तो सेल्वी वर्सिज स्टेट ऑफ कर्नाटक कब आया था ट्वेंटी में ऑफिशियल लिक्विडिटर वर्सेज दयानंद कब आया था टू में आई आर कोलो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में पी आई नामदार वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 में सबसे तो पहले कौन सा आया डी देखिए फिर इसके बाद डी ए बी डी सी बी ए तो डी सी बी ए के आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री करेक्ट फंडामेंटल ड्यूटी आर मैंडेटरी फॉर ऑल दर्सन देखिए मैंनेट्री नहीं है इनको एन्फोर्स नहीं किया जा सकता तो ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो इट वॉज इंसर्टेड बाय फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट तो ये भी गलत हो गया यह भी गलत हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज है कौन सी अमेडमेंट थी वो जैसे उन्होंने बताया अभी फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट कैन बी एनफोर्स इसका आंसर क्या रहेगा थ्री ओनलीफर इज एलिजिबल फॉरमेंट एज गसा इज of, of yes, is he is from any profit during his term of office ड्यूरिंग हिस्स टर्म ऑफ ऑफिसेक्ट बट ये क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है it is not the explanation but both are true तो both are true but आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ टू का आंसर रहेगा फाइव पेयर इज थ्री फिफ्टी टू इट इज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ठीक है इफेक्ट कितने में है थ्री फिफ्टी थ्री में है और देखिए थ्री फिफ्टी थ्री बता दिया कि इफेक्ट है ऑफ प्रोविजन रिडिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेजमेशन इज इन ऑपरेशन तो ये कितने में थ्री फिफ्टी फोर में थ्री फिफ्टी फोर लिखा हुआ मतलब ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया ये और ये भी गलत हो गया ठीक है ना डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ड्यूरिंग इमरजेंसी इसका कोई प्रोविजन नहीं है थ्री फिफ्टी फाइव क्या है ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस दिस इज करेक्ट तो इसका आंसर क्या रहेगा फोर यहाँ पर देखिए क्या पूछा है पेयर इज करेक्टली मैच तो यही करेक्टली मैच्ड है नेक्स्ट सिक्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच अब देखिए नोट पूछा हुआ है तो सेवंथ अमेंडमेंट कब आई थी थर्टी फर्स्ट आई सेवेंटी थ्री अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? फ्रॉम थ्री वन फ्रॉम सेवन ओके तो इसका आंसर अच्छा क्या ठीक रहेगा फिर फोर नॉट देखिए नेक्स्ट है अब मैच करना है केसेस को प्रिंसिपल्टेटा

और ऑलमोस्ट सिमिलर तो ओबियसली बचा क्या है टू ये कहा गया था एम नागा क्वेश्चन स्टेट ऑफ कर्नाटका में तो इसका आंसर क्या रहेगा थ्री फोर वन टू टू इज द आंसर नेक्स्ट है एट जजेस डू नॉट मेक लॉ बट ओनली डिक्लेयर वट हैज ऑलवेज बीन लॉ ये स्टेटमेंट किसने दी थी सेट बाई ब्लैक स्टोन टू इज द आंसर नेक्स्ट है नाइन जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रिगार्ड टू ए वैलिड कस्टम तो कस्टम हैज टू प्रोजेस ए मेजर ऑफ नीड नोट नहीं आएगा तो इसका मतलब हो गया मस्ट बी सर्टेन एंड प्रसाइस क्या रहेगा ए बी डी आर करेक्ट तो थ्री इज द आंसर नेक्स्ट टेन अब थ्योरी को मैच करना है जू से साइंटिफिक पॉजिटिविज्म किसका दी थ्योरी है अगस्ट कॉम्टे ने सोशल सोलिडारिटी देखिए ये जो पिछली बार ही पूछा था ये देखिए अगर आप देखेंगे ना जुलाई ट्वेंटी एटीन का पेपर उसमें मिल जाएगा आपको ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी हार्बर स्पेंसर थ्योरी ऑफ रियलिटी ऑफ ग्रुप पर्सनैलिटी गेट तो क्या बन गया थ्री फोर वन टू टू इज दंसर नेक्स्ट है अलेवन ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है देखिए जुलाई 2018 दिसंबर 2018 और देखिए दिसंबर 2017 के सामने भी, भी पूछा हुआ है तो राइट है तो ड्यूटी है पावर है तो लाइबिलिटी है तो ए का थ्री देखिए दो में है और सी का वन देखिए सी का वन एक में ही है टू इसका आंसर बन गया देखिए प्रिविलेज नो राइट इम्यूनिटी डिसेबिलिटी सेम क्वेश्चन देखिए तीन साल लगातार आया है ये नेक्स्ट ट्वेल्व ऑनरशिप डिनो द रिलेशन बिटवीन अर्सन एंड अबिंग ऑफ इज ऑनरशिप दिस ऑब्जर्वेशन मेड बाई सी नेक्स्ट थर्टीन अजेशन है परफेक्ट ड्यूटी इज वन विच ए पर्सन नॉट मेरलीफॉर्म बट मे बी जस्टली कंपेल्ड टू परफॉर्म दिस इज करेक्ट ए परफेक्ट ड्यूटी इज वन विच इज नॉट मेयरली रिकनाइज बाई लॉ बट एनफोर्सिएबल दिस इज ऑल्सो कैसी एक्सप्लेनेशन हो गई ये तो आंसर क्या रहेगा वन बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट है फोर्टीन देखिए क्वेश्चन पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस जज अलवरेज हैज एप्टली रिमार्क्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर पासिंग थ्रू अ सीरियस क्राइसिस एंड दिस नेसेसिटेट्स इट्स रिकंस्ट्रक्शन अ न्यू इंटरनेशनल लॉ इज डेवलपिंग विच एमबोडीज नॉट ओनली द रिकंस्ट्रक्शन बट ऑल्सो सम एंटायरली न्यू एलिमेंट्स तो कौन से केस में कहा था ये ये कहा गया था कंडीशन ऑफ एडमिशन ऑफ ए स्टेट टू यूनाइटेड नेशंस यहाँ पर स्टेट गर्ल्स लिखा हुआ है एग्जाम पेपर में काफ़ी गलतियां हो जाती हैं तो इसका आंसर क्या रहेगा थ्री कब आया था नाइनटीन फोर्टी एट में एंग्लर नॉर्वेजन फिशरीज केस यू के वर्सेज कब आया था नाइनटीन फिफ्टी वन में आगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस ग्रीस वर्सिज टर्की कब डिसाइड हुआ था ये नाइनटीन सिक्स में फिर है इंटरनेशनल स्टेटस ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट अफ्रीका कब डिसाइड हुआ था केस ये नाइनटीन फिफ्टी में ठीक है तो इनको भी याद रखिएगा ये एंग्लो नॉर्विजन फिशरीज केस जो है ये काफ़ी फेमस केस है और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस ये भी नेक्स्ट है फिफ्टीन इसे द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट क्या पूछा है नॉट करेक्ट देखिए पहले जो है ना इसको बोल्ड नहीं करते थे लेकिन आजकल तो इसको बोल्ड कर देते थे ताकि जो कैंडिडेट है वो इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सके कि भाई करेक्ट पूछा है नॉट करेक्ट पूछा हुआ है तो जो ए है द वर्ड इंटरनेशनल लॉ वर यूज बाय द फर्स्ट टाइम ऑफ एमिनेंट जूरिस्ट जर्मी बैंथमटीन एटी दिस इज करेक्ट जी एस टाकल दैट इंटरनेशनल दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ लिविंग एंड एक्सपेंडिंग कोड नो ये कहा था लॉर्ड चांसलर सेंके ने ओके ये हो गया गलत प्रोफेसर ओपन हैज रिमार्क दैट इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस नो ये कहा था हॉलैंड ने ठीक है ना तो ये भी गलत हो गया और इसका मतलब ये भी गलत हो गया हैज बी द इंटरनेशनल लॉ इज अ मेयर पॉजिटिव मोरालिटी नो ये कहा था ऑस्टिन ने तो ठीक कौन सा इसमें सिर्फ ए तो बी सी डी आर ओनली इनकरेक्ट तो थ्री इज द आंसर नेक्स्ट दिक्सटीन विच फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल एं लॉ एंड एंडल लॉ देखिए इस पे जुलाई 2018 में भी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको तो स्पेसिफिक एडोप्शन थ्योरी है डेलीगेशन थ्योरी है मोनिज्म है और डिक्लेरेटरी थ्योरी नहीं है तो इसका आंसर क्या रहेगा थ्री और कौन कौन सी थ्योरी है मोनिज्म है एंड ड्यूअलिज्म भी है अगर कहीं आ जाए एग्जाम में दिस इज ऑल्सो थ्योरी ऑफ म्यूनसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ ठीक है नेक्स्ट सेवनटीन मैच करना है अब केसेस से डिसीजन गिवन बाय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कौन से केस में दिया था ये पायस फंड केस कौन सा केस था ये यूएस वर्सेस मेक्सिको कब डिसाइड हुआ था ये 1902 में फिर प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम प्रोपागेटम वाज इनिशिएटेड इन द केस ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटीज इन अपर सेलिसिया माइनॉरिटी स्कूल जर्मनी वर्सेस पोलैंड परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने डिसाइड किया था 1928 में लीडिंग केस ऑन रेप्रिसल व्हाट इज रेप्रिसल यूज ऑफ फोर्स ठीक है ना इट वाज नोलीला इंसिडेंट इट वाज पोर्तुगीज वर्सेस जर्मनी 1928 फिर केस डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंडर कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन तो ऑब्वियसली असाइलम केस कोलंबिया वर्सेस पेरू का बात है 1950 डिसाइड हुआ था 1950 में तो जो ये देखिए रेपिस साल है इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है जुलाई 2018 में अब देख सकते हैं पेपर मिल जाएगा आपको तो क्या बन गया इसका टू वन इज द आंसर एटीन विच इज द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड टू रिकोगगनीशन तो कौन सा नहीं है देखिए सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इन कंपनी वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन केस डिसाइड हुआ था नाइनटीन फिफ्टी टू में ये तो है अजंतजाज़ू मैंडी केस स्पेन वर्सेस एस एस अजंतजाज़ू ये शिप था स्पेन का जो कि यूके के पास था बड़ी अच्छी स्टोरी है अगर आप इसको केस को पढ़ेंगे तो डिसाइड हुआ था नाइनटीन में फिर बार्सिलोना ट्रैक्शन केस बेल्जियम वर्सेज स्पेन डिसाइड कर था, 1962 में आईसीजे ने किया था डिसाइड यूनाइटेड स्टेट वर्सेज स्कूनर 1801 में डिसाइड हुआ था तो कौन कौन से नहीं थे इसमें बार्सिलोना एंड यूनाइटेड स्टेट्स वाला ये केसेस जो है रिकग्निशन पर नहीं है तो इसका आंसर क्या रहेगा थ्री सी एंड डी बोथ ऐसा नाइनटीन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट

इकोसोक ट्रस्टीशिप काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड आईसीजे तो इसमें से गलत क्या क्या हो गया सी एंड डी आर रोंग एंड एंड बी आर करेक्ट फोर इज दी इन विच द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट हैल एस्टेब्लिश दैट एबसेंस ऑफ रूल ऑफ हिंदू लॉ द कोर्ट हैव अथॉरिटी टू डिसाइड केसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइन ये था गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई ट्वेंटी वन मैच करना है विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेज सरला अग्रवाल किस पर है ये था क्रुअल्टी पर गीता मुगलानी वर्सेज जगदीश मुगलानी दिग्दर्शन पर है ये मनीष गोयल रोहिणी गोयल डाइवोर्स पर है ये विष्णु प्रकाश वर्सेज शीला देवी और इसलिए क्या बच गया सप्तपदी क्या बन गया इसका थ्री फोर वन टू थ्री इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन टू ए हिंदू कॉन्ट्रैक्टिंग सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील अगेंस्ट अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स इज वॉइड फॉर इज द आंसर जब तक वो जो अपील डिस्पोज ऑफ ना हो गई हो या फिर जो अपील का टाइम है वो एक्सपायर ना हो गया हो शादी नहीं कर सकते

सेक्शन ट्वेंटी प्रोवाइड करता है यह चीज और देखिए ये जब स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी तो ऑटोमेटिकली तो ये भी इनकरेक्ट हो गई क्योंकि नोट असेंशियल जो है सेक्शन ट्वेंटी प्रोवाइड नहीं करता है तो दोनों स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट फोर इज दी आंसर नेक्स्ट सेवन केसेस को बताना है लैप ऑफ ऑफर वर्सिज फ्रेजर जनरल ऑफर वीक टाइबॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल लालमोहन शुक्ला वर्सिज गौरी दत्त इंप्लाइड प्रपोजल कॉफी बोर्ड वैसे सीसीटी क्या बन गया इसका टू वन फोर थ्री थ्री इज द आंसर नेक्स्ट ट्वेंटी एट कंसिडेशन इज द रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रेक्टिंग टू द अदर ब डेफिनेशन इज एट्रीब्यूटेड टू ब्लैक स्टोन फोर इज द आंसर नेक्स्ट ट्वेंटी नाइन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सेप्टेंस मे बी मेड इन द मैनर प्रेस कर आई इंडिकेटेड बाई द ऑफर नो दिस इज रॉन्ग क्यों लिखा हो मे बी नो इट हैज मतलब शेल बी मैंटरी है जैसा कि ऑफरर ने बताया तो यह लिखा ऑफरी ऑफरी क्यों बताएगा मैनर एक्सेप्टेंस का ठीक है तो इसका आंसर क्या रहेगा थ्री नेक्स्ट थर्टी नेक्स्ट थर्टी इन विच इज द फॉलोइंग केसेज लॉ ऑफ फर्स्टेशन वॉज अप्लाइड तो पेडाइड जे इन फर्स्ट केस था इस पर अप्लाई नहीं किया गया था टेलर वर्सेज कार्डवेल है प्रॉपर्टी लाइट लाइटन यस इन तीनों पे किया गया था इसका आंसर क्या रहेगा ये ऑप्शन ठीक नहीं है इसमें जो है बी सी डी आंसर होना चाहिए क्योंकि पैडाम से जे में कहा गया था ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट एंड हैज टू बी परफॉर्म उसके बाद जब टेलर कार्डवेल आया तो यहाँ पर फर्स्ट एशन अप्लाई किया गया फर्स्ट टाइम तो ये ऑप्शन हो गए रॉन्ग बी सी डी इसका आंसर है Next thirty one, which one of the following cases enshrines the present position of doctrine of public policy in India? It is lal Parekh versus Mahadev Das. Two is the answer. Next thirty two, assertion hai, a contract is a property in the nature of promise supported by some consideration upon which either the remedy of specific performance or damages is available. No, this is wrong. It is not a property.

अनलिक्विडेडेड डैम यो भी हो गया रॉन्ग इंटोर्ड मोटिव फॉर वायलेशन ऑफ राइट इन मेटीरियल मेटीरियल है ये भी तो इसमें क्या ठीक है फिर ओनली ए इज करेक्ट वन इज दर्ना है डिफेंसिस हैं और केसेज हैं प्लैटिफ ए रॉन्ग डूअर कौन से केस में डिफेंस लिया गया था बर्ड वर्सिज हॉलब्रुक एक्ट ऑफ गोड निकलस वर्सिज मार्शलैंड इनविटेबल एक्सीडेंट टैनले वर्सिज पॉवेल मिस्टेक किस पर है कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस करटेस तो क्या बन गया टू वन फोर थ्री ये टू एक में ही है थ्री इज द आंसर दर्टी फाइव है इसमें द रिलेशन ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट इज दैट प्रिंसिपल एंड एजेंट ये करेक्ट है द रूल ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी डज नॉट अप्लाई इन केसेस ऑफ देयर लाइबिलिटी ये तो रॉन्ग हो गया अप्लाई होता है तो थ्रीज इसका आंसर देगा ए इज करेक्ट आर इज रॉन्ग नेक्स्ट थर्टी सिक्स ए सर्वेंट इज एंगेज मास्टर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर फ्रॉम इन सर्विस मैच करना है लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल डेविस वर्सिज मैन अपोर्शनमेंट ऑफ डैमेज विद्या देवी वर्सिज एम पी ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑल्टरनेटिव डेंजर श्याम सुंदर वर्सिज स्टेट ऑफ राजस्थान मिल्स वर्सेज आर्मस्टोंग तो क्या बन गया 2, 4, एक टू फोर एक में ही है तो वन इज द आंसर नेक्स्ट थर्टी एट इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी डिफेंडेंट ऑन डिफॉल्ट कंसेंट ऑफ थर्ड पार्टी एक्ट ऑफ डिफेंडेंट नो स्टैचूटरी अथॉरिटी इज एन एक्सेप्शन देखिए डिफेंडेंट ऑन डिफॉल्ट भी तो ये जो है एक्सेप्शन है तो वन भी इसका आंसर हो सकता है ठीक है थर्ड पार्टी इज नॉट एक्ट ऑफ डिफेंडेंट डिफॉल्ट में ही आ जाएगा बट एक्ट की जगह डिफॉल्ट जो है वो डिफेंडेंट ऑन फॉल्ट दिस वुड बी अप्रोप्रिएट तो इसका आंसर क्या रहेगा एंड स्टेटमेंट और ऑथर से मैच करना है द बिहेवियर एज क्रिमिनल इज पार्ट ऑफ पोलिटिकल प्रोसेस ये किसने कहा था ब्लैक स्टोन ने फिर डिसोबिडियंस ऑफ लॉ मे बी टर्मड एज क्राइम टेरेंस मोरिस

ियस बटली आंसर नहीं सर फोर्टीकेशन ऑफ प्रिंसिपलो डेबिट प्रो एडम कोजा बिस्विक सारी देखिए ये जो इनकम्प्लीट लिखी है यहाँ पर क्या आना चाहिए ये प्रो के बाद आना चाहिए प्रो ऊना एट एडम कोजा ठीक है इसका मतलब क्या होता है नो वन शेड बी विक्स ट्वाइस फॉर द सेम स तो डबल जी ओ पाड़ी के लिए है ये तो इसमें क्या पूछा गया वीज आर रेलिवेंट तो कौन सी इंक्वायरी रेलिवेंट है आंसर जब यह इंक्वायरी पूरी हो जाएगी तो वो इंश्योर करेंगे ना कि भाई वो विक्स वॉइस हुआ है या नहीं हुआ नेक्स्ट फोर्टी टू रीड द फुलटमेंट इन स्टेट वेद द प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइब्रेट अपलाइड इंस्टेंटली फ्लोइंग फ्रॉम मैंिया When he shares in the commission of crime, two is the answer. Next forty-three. Act done in moments of delusion are protected because circumstances are such that they are incompatible to the existence of mens rea. Four is the answer. Next forty-four. विच फैक्टर आर असेंशियल फॉर फिकसिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑन इमोर्टिंग गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट टेरेटरी अदर दैन इंडिया फॉर सुडक्शन गर्ल मस्ट बी बिलो ट्वेंटी फ्रॉम इंडियन ओरिजिन क्या रहेगा इसका वन सेक्शन कौन सा थ्री सिक्सटी सिक्स बी ऑफ आई पी सी नेक्स्ट 45 है देर इज मोर कंटिन्यूस एंड सिस्टमैटिक सर्विलियंस ओवर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट गवर्मेंट आर टू टूपरी एजुकेशन एज द ट्रेडिशन ऑफ फ्री कलेक्टिव बार्गेन हैज ऑलवेज बीन वीक इन इंडिया और देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के केसेज हैं ये लेबर कोड के तो ये सिलेबस में नहीं है बट एज आई एम टेलिंग इन एवरी वीडियो कि लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के एग्जाम्स आते हैं वहाँ उनके लिए रेलिवेंट हो सकते हैं तो ये देख लीजिए आप आंसर इनके तो इसका रीज़न है विद रिस्पेक्ट टू द मेरिट एंड डी मेरिट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेन विज अ विज कंपल्सरी एजुकेशन देर इज इन सीरियस कन्फ्लिक्ट एंड ओवरलैपिंग ऑफ व्यूज तो बोथ आर ट्रू एंड एक्सप्लेशन वन इज द आंसर नेक्स्ट फोर्टी सिक्स अब मैच करना है केसेस को तो एफ सी आई स्टाफ यूनियन वर्सिस एफ सी आई

ये है फिर रिफ्लेक्शन ऑफ रिसेंट जुडिशियल ट्रेंड्स ऑन इंटरप्रिटेशन डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री तो क्या बन गया फोर वन टू थ्री तो फोर वन टू थ्री एक में ही है देखिए वन इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट सर फोर्टी सेवन अब इसमें बताना है रॉन्ग राइट तो स्ट्राइक और डिक्लेयर लॉकआउट आउट मे बी कंट्रोल्ड और बाय इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन ये करेक्ट है द दंसिलेशन ऑफिसर अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आर चार्ज ड्यूटी ऑफ एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट नो वो एडिकेशन नहीं करते देर डूइंग ओनली कंसिलियन ये हो गया रॉन्ग तो इसका आंसर क्या हो गया टू नेक्स्ट फोर्टी एट द फिफ्थ अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कंटेन सैवरल अनफेयर लेबर प्रैक्टिस इन विच द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ कैटेगरी वन इट इज रिक्वायर्ड टू इस्टैट दॉयज ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन इज सेट टू बी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस तो यह है एम्प्लॉय और देयर ट्रेड यूनियन थ्री का आंसर रहेगा

वर्कमैन ऑफ मैसेज हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ओके फ्रेंड्स इसी के साथ हमने यूजीसी नेट नवंबर 2017 में कंडक्ट हुए लॉ के पेपर टू को पूरा डिस्कस कर लिया है अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो कोई एडवाइस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं एंड इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर योर नॉलेज एंड वॉन्ट टू कमेंट ऑन एनी क्वेश्चन एंड एंड वॉन्ट टू प्रोवाइड एनी एक्स्ट्रा इफॉर्मेशन ऑन दी क्वेश्चन यू आर ऑलवेज वेलकम भी ऑलवेज अप्रिशिएट फॉर दैट एंड अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आर चैनल एंड वाई सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकोन सो दट यू कैन गट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियो तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो